मैंने आप सभी को पिछले वाले वीडियो में मॉर्फो सेटिंग करने के लिए बताया था। तो मॉर्फो सेटिंग आपने अगर कर लिया होगा तो आपको मॉर्फो सेटिंग करने के बाद आपको PMKYC यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो EKYC हो रहा है उसको आपको कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आना है। और इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है कि आप आ जाएंगे और यहाँ पर एक आपको लिखा हुआ है CSE लॉगिन। यहाँ पर CSE लॉगिन वाले सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अब इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज इस तरह से ओपन होगा, इसको CSE से आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं अपना CSE ID और साथ में कैप्चा कोड डालकर यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो पा रहा होगा कि मैंने यहाँ पर अपना CSE ID नंबर और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लिया है। इसके बाद ये वाला कैप्चा जो है इस वाला बॉक्स में मैं फिल कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर साइन इन वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइन इन क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर साइन इन इस तरह से हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से अपना CSE ID में लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर शो कर रहा है, इस वाले ऑप्शन पर एक बार आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है आधार, जिसमें आपको कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है जिस व्यक्ति का आप KYC करना चाहते हैं, इसके बाद सर्च वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करके आपको शो कर देता हूँ। मैं अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल चुका हूँ। इसके बाद सर्च वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर कोई भी डाल लेना है। ऐसा कोई नहीं कि मतलब इसमें जो आधार नंबर लिंक है वही यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालना है, तो जी नहीं, यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर इनवैलिड OTP आता है तो यहाँ पर अदर मोबाइल नंबर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। आपको एक OTP सेंड कर दिया जाएगा, OTP आपको फिलअप करना होगा। मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ। इसके बाद गेट मोबाइल नंबर OTP पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है OTP सेंड हैज योर मोबाइल नंबर। जो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर OTP चला गया है। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर जो OTP है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, यहाँ पर सबमिट करना। तो चलिए मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। तो मेरे यहाँ पर OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर OTP डाल लिया हूँ। इसके बाद सबमिट OTP सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर इनवैलिड शो कर दिया, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर रिट्राई करके देख लेता हूँ। हो सकता है मेरा दो बार मैंने OTP सेंड किया है, मैंने दोनों वाला अगर एक ही आया होगा तो मैं चेंज करके फिर से डाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर दूसरा OTP डाला हूँ, दूसरा OTP आया। इसके बाद सबमिट OTP पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर OTP इनवैलिड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मेरा OTP यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। भले ही यहाँ पर इनवैलिड दिख रहा है, मेरा यहाँ पर सक्सेस हो चुका है OTP, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका जब तक OTP वेरीफाई नहीं होगा तब तक यहाँ पर कैप्चर फॉर EKYC का ऑप्शन आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा OTP यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। आप यहाँ पर दोबारा से देख लेंगे, अगर ये वाला अगर आ जाता है इनवैलिड यहाँ लिखता है, अगर यहाँ पर आपका इस तरह से आ जाता है जैसा कि मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कैप्चर फॉर EKYC बाय मॉर्फो, तो मॉर्फो डिवाइस वाला है, तो यहाँ पर आप करेंगे और EKYC फॉर यहाँ पर केवल यहाँ पर है, तो उसके लिए यहाँ पर EKYC यानी कहने का मतलब आधार नंबर लिंक होगा, तो उसके लिए यहाँ पर है ऑप्शन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनवैलिड OTP शो कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर OTP जो दर्ज किया है, मैंने दो बार OTP सेंड किया था, इसलिए मेरा दो पहला OTP इनवैलिड हो गया था, इसलिए वो वाला सेक्शन यहाँ पर रह ही गया था। मैंने दूसरा OTP डाला, यहाँ पर OTP सक्सेस हो गया, सक्सेस हो जाएगा तभी आपका यहाँ पर ये वाला जो दोनों ऑप्शन है ये आपको शो कर पाएगा। सक्सेस नहीं होगा तो ये आपको ऑप्शन शो करेगा ही नहीं। तो मेरा यहाँ पर OTP यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा सक्सेस हो चुका है। सक्सेस हो जाने के बाद मैं आपको कैप्चर करके शो कर देता हूँ। कैप्चर यहाँ पर मॉर्फो लगाना है, तो चलिए मैं आपको एक मॉर्फो लगा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर मॉर्फो लगा लिया हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर मॉर्फो लगा चुका हूँ। लगाने के बाद मैं चल चुका है, चलने के बाद मैं आपको KYC करके दिखा देता हूँ। मुझे अब केवल यहाँ पर अब फिंगर लगाना, तो चलिए मैं फिंगर लगा कर शो कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपने कर रहा होगा, यहाँ पर कैप्चर फॉर EKYC पर क्लिक कर रहे होंगे, तो यहाँ पर आपका लाइट नहीं फिर भी नहीं जल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे और मैंने आपको एक मॉर्फो RD सर्विस पिछले बार इंस्टॉल करवाया था पिछले वाला वीडियो में, तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप नया इंस्टॉल करें तभी वर्क करेगा। अब इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक न्यू पेज लेना है, और न्यू पेज लेने के बाद यहाँ पर सेटिंग वाले पर आना है क्रोम में, और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोम, तो इसको ये जो सेटिंग लिखा हुआ है ना, इसको सेटिंग को केवल हटाना है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको सेटिंग यहाँ से हटा देता हूँ। तो क्रोम को केवल नहीं हटाना, केवल यहाँ पर सेटिंग हटाना, लिखा हुआ है जो सेटिंग उसको हटा देना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है फ्लैक्स FLAGS, इस तरह से सर्च करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको
तो आप इस तरह से सर्च करेंगे, ये वाला ऑप्शन ओपन करेंगे, इसको इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर्च बॉक्स एक और दिया गया है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये जो सर्च बॉक्स है ना, इसमें आपको आप यहाँ पर टाइप करेंगे लोकल होस्ट, LOCAL लोकल HOST बिना स्पेस के ऐसे टाइप करेंगे। और टाइप करने के बाद अगर आपका ये वाला सेटिंग यहाँ पर अगर डिसेबल शो करता है, और यहाँ पर भी अगर डिसेबल शो करता है, तो आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से अगर शो करता है, तो ये वाला जो सेटिंग है ना, ये वाला ऊपर वाला डिसेबल को इसको इनेबल कर देना है। केवल यही एक ये सोल्यूशन है, यहाँ पर इसको इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद यहाँ एक रिलॉन्च का ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये रिलॉन्च का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, यानी कि लॉन्च कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर लॉन्च कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉन्च करने के बाद आपको सेव हो गया है, आपको फिर से क्रोम ओपन हो गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए फिर से आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, लोकल होस्ट। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको इनेबल किया था, तो इनेबल हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब जाना है आपको PM किसान वाले वेबसाइट पर। तो चलिए मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ इसे, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं यहाँ तक कर चुका था। इसके बाद कैप्चर फॉर EKYC पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो गया, आप यहाँ पर फिंगर रखेंगे और यहाँ कैप्चर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको शो करके दिखाता हूँ फुल KYC करके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पर कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है। ओके करेंगे यहाँ पर। ओके करने के बाद आपको लास्ट प्रोसेस यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा, आपका यहाँ पर PMKYC का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा KYC इज सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आपको अगर CSE से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 से 4 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आप सक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पर मेक पेमेंट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैं अपना वॉलेट का पिन डालकर यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ। तो जो आपको जो आपका CSE का वैलिड पिन होगा, आप यहाँ पर डाल लेंगे। और पिन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और अपना पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं आपको पूरी कंप्लीट दिखा रहा हूँ आपको प्रोसेस, यहाँ पर 5 रुपये 34 पैसा का पेमेंट करता है। तो मैं यहाँ पर वैलिडेट वाले पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा पेज, यहाँ पर वैलिड पिन डाल लेना है। जो वैलिड पिन है आपका, उससे पेमेंट कटेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर वैलिड पिन डाल चुका हूँ। इसके बाद पे 5.34 वाला पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर सक्सेस हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। मेरा यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मेरा EKYC हो चुका है। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम आता हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको मोर्फो सेटिंग करने के लिए पूरा डिटेल बताया हूँ और उसके माध्यम से आप पूरी तरह से कंप्लीट, हमें उम्मीद है कि आप सभी कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मोर्फो सेटिंग आपके अगर सिस्टम में नहीं हो पा रहा है तो हमसे आप कांटेक्ट कीजिए, उसका आपको कुछ चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको पूरी तरह से मोर्फो का लाइट जलाकर और पूरा KYC करके फुल प्रोसेस बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।